सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। सो भी चतुर है, मेरे मेंबर भी चतुर है, ध्यान रखते हैं इधर उधर। हालेलुया, बोला नहीं हूं मैं ना, मुझे भोले पसंद है। अब आपको फैसला आपको लेना है, भोलों के साथ चलना है कि यीशु के साथ चलना है। अरे भोले के साथ तो बहुत दिन चलते आए, हाँ के ना। फैसला आपको लेना है, करा भोले का संग छोड़ो, जिंदा रहो आज यीशु मसीह के नाम में। आपके काम खुल जाए आज रात यीशु के नाम में, आपके काम बनने लगे आज से। आमीन। करा भोले है जिसकी मर्जी साथ देकर रिश्ता कर देते हैं, भोले है जिसकी बात में आ जाता है। करा भोला सच मान लेता सारी बात को। एक लड़की आई है, फेसबुक पे फोटो देखी, उसने कहा वाओ मर्सिडीज। उसने कहा अच्छा, और लड़का बहुत गोरा, आपको पता आजकल कैमरे का कमाल है, काला बिल्कुल काला ततैया तवा। शादी हो गया, शादी कर लिया, बाद में कह रही मम्मी ये क्या हो गया। पहले आधार कार्ड पे फोटो देख के शादी करनी थी ना, फेसबुक पे चल रही है भोले। उसने कहा मैं काला हूं तो क्या हुआ, दिल वाला तो हूं। बेचारी भोली फंस गई। उसने कहा मेरे बाप के पास ये है, मेरी माँ के पास वो है, फलाने के पास वो है। उसने कहा भोले भोली। अधिकतर लड़कियां उनको भोले लड़के पसंद है, भोला सा दिखेगा नहीं, उसकी माँ कहेगी हाँ ये तो बहुत भोला लड़का है। आज समझ जाओ, भोलों के साथ नहीं चतुर के साथ शादी करना है। अपने हाथों को उठाओ, भूखा नहीं मरेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं। भोला खुद भी भूखा मरेगा, दूसरे को भी मारेगा। अपने पति को देख लो, चेक कर लो बराबर में, भोला तो नहीं है। भोले का संग छोड़ना नहीं, अब तो हो गया, समझ रहे हैं। कह रहे चतुर बनो क्योंकि परमेश्वर ने आपको चतुराई दी है, क्योंकि बाइबल में लिखा, हम पढ़ेंगे एक जगह पर। क्यों कह रहा हूं परमेश्वर क्यों कह रहा है ऐसे, हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर किस में वास करता है। नीति वचन 8:12 को पढ़े, हम स्क्रीन पर देखें जल्दी से। हाँ हाँ, मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ, मैं चतुराई में वास करती हूँ, भोला में नहीं। समझ में आया बात, बुद्धि का मतलब कौन, परमेश्वर। परमेश्वर किस में वास करता है, कह रहे हैं कि चतुराई में वास करता है। जो लोग चतुर हैं, अच्छा बिजनेस करना जानता है, बेशक मुंह का कोड़ा हो लेकिन उसके साथ बिजनेस करो। हालेलुया, भोला है तो मैं भी मरवाएगा, खुद भी मरेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। एक लड़के का नाम ही यहां पर भोला है, भोला है चाहे आप कैसे भी हैं, लेकिन यहां पर लिखा जो मैं बुद्धि हूं, कह रहे चतुराई में वास करती हूँ। इसका मतलब जो लोग चतुर हैं उनके अंदर परमेश्वर वास कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथों को उठाओ और कहो कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी का मुंह देखकर बोलो कि तू भोला नहीं चतुर बन जा। आपको फैसला लेना आज से, ज्यादा गुस्से वाले के साथ नहीं चलना। क्या लिखा, ज्यादा गुस्से वाले के साथ परमेश्वर नहीं चलता। नीति वचन 16:7 में देखो क्या लिखा, हाँ हाँ, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है। आज लोग कह रहे हैं परमेश्वर कि मेरा काम खुल जाए, मेरी किस्मत खुल जाए, मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं। अरे परमेश्वर करा जब मुझे तुम्हारा चाल चलन पसंद आ गया, करा मुझे, करा आज तुम पसंद आ जाओगे, सब कुछ खोल दूंगा, दिल खोल दूंगा आज। लिख लो अपनी डायरी में इस वचन को, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत अपने चाल चलन पर सुधार करना है। सुबह उठना है, अपनी मम्मी से कैसे बात करता है, अपनी चाल चलन पर बात करना है, सुधार करना है। सुबह उठता है अपनी अपने बच्चे से कैसे बात करता है, अपने लोगों से कैसे बात करता है, चर्च में कैसे बात करता है, सास कैसे बहू से बात करती है और बहू कभी सास कैसे बात करती है। आपको समझना है जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाएगा, उसके शत्रुओं से भी मेल करा देगा परमेश्वर। आमीन। लिखा करा उसके शत्रुओं से भी मेल कराएगा। अगर परमेश्वर को पसंद आ गया आपका करैक्टर, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका बोलना, आपका सिगरेट पीना पसंद आ गया परमेश्वर को, अगर गोल गोल धुएं बनाते हैं ऐसे छल्ले बाहर निकालते हैं ऐसे कहने जाते पसंद आएगा। रोज कोर्ट कचहरी में खड़े रहते हैं,
आपका चाल चलन पसंद आएगा। ड्रिंक करते हैं शाम को, पत्नी बोलती है तो ज्यादा नहीं पीता, थोड़ी पीता, सामने वाला तो बेवड़ा है, तेरा बेवड़ा नहीं है, तेरा तो एक पैक पीता है, हैं? करा के जब तेरा चाल चलन पसंद आया तो आज रात करा परमेश्वर उसको पसंद आ जाएगा। करा जो दुनिया में चीज पसंद है आज आपके घर दे कर जाएगा वो। हालेलुया। आ या ना, आमीन बोलने वाले ले लो आज। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आया क्या नहीं चर्च? Yes. करा रूत का चाल चलन परमेश्वर को पसंद आया। रूत एक गरीब घराने की औरत थी, लड़की थी, और उसके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन उस समय में करा एक स्वयंवर रचा गया, और उस समय में वहां पर राजकुमारियां बुलाई गई, और राजा ने कहा करा जो सबसे सुंदर लड़की होगी उसके साथ मैं शादी करूंगा। लेकिन उसका चाल चलन, रूत का चाल चलन, बेशक वो गरीब घराने की थी, बड़ी सारी औरतों के पास लिपस्टिक थी, पाउडर था, फेयर एंड लवली क्रीम थी, 350 का मालिश करा के गई थी कि राजा मुझे पसंद कर ले, आपको पता है। लेकिन वो बेचारी, उसके पास तो मिट्टी भी नहीं थी, रूत के पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन वो तो बेचारी सड़ावा पानी, जोड़ का पानी मुंह धोकर चली गई, लेकिन उसके अंदर विश्वास था, वो परमेश्वर की अगुवाई में चलती थी, वो प्रार्थना करने वाली, उसका चाल चलन, उसका करैक्टर, उसकी बोल बाणी परमेश्वर को पसंद थी, इसलिए परमेश्वर ने राजा का मुंह उस औरत की तरफ कर दिया। रूत को पसंद कर लिया राजा ने, और वो एक पटरानी बन गई। पटरानी का मतलब राजा की प्रिय औरत बन गई। हालेलुया। याद रखना, आज आप नौकरानी से रानी बन सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, आप कहीं से कहीं जा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, लेकिन अपने चाल चलन पर जब सुधार करे। भजन संहिता 119:59 में लिखा करे के राजा के महल से निकल रहा था, और उसी समय भूल गया था मूसा के परमेश्वर ने तुझे एक राजा बनाया है, भूल गए हैं लोग तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिली है, तुम्हें पैसा मिला है, नाम मिला है, शोहरत मिली है, फैक्ट्री मिली है, विदेश मिला है, आपके बच्चों को सेटल किया है यीशु ने, लेकिन भूल जाते हैं लोग, अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं देते, और इसने क्या किया, इसने किसी के सिर में ईंट मार दिया है और वो मर गया है, लेकिन इसका करैक्टर परमेश्वर ने देख लिया है। मूसा ने, मूसा के लाइफ में हस्ती खेलती जिंदगी में स्पीड ब्रेकर लग गया है। हो सकता है यहां पर कोई बैठा हो, आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा हो, लेकिन 2 महीने से स्पीड ब्रेकर लगा हो, हो सकता है आपके बैंक में पैसे थे लेकिन आज नहीं है। आज लोग कहते हैं कि हमारे पास दादे दादों के पास मकान था, घर था, गाड़ियां थी, सब बिक गया है, स्पीड ब्रेकर लग गया है। इसका मतलब परमेश्वर आपके घर पर स्पीड ब्रेकर क्यों आने देता है? कई बार जान मूंछ कर आने देता है परमेश्वर, वो स्पीड ब्रेकर जान मूंछ कर आने देता है। इस मूसा के जीवन में जब स्पीड ब्रेकर आया हस्ती खेलती जिंदगी में, इसके जीवन में करे के राजा फिरौन इसके पीछे पड़ गया, पुलिस सैनिक इसके पीछे पड़ गए, और उसी समय यह भाग गया, लेकिन उस समय क्या करा है? करा मैंने अपनी चाल चरण को सोचा है, करा के परमेश्वर मैंने कितनी बड़ी गलती की है, करे तेरी चेतावनियों को मान लिया है, आज से मैं अपने चाल चरण पर सोचूंगा, मेरे ऊपर दया कर। और परमेश्वर ने कहा जा, करे तेरी गाड़ी अब 10 की स्पीड पर नहीं, फिर से 100 की स्पीड पर दौड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आज से भविष्यवाणी है ये, जो अपनी चाल चरण पर सोच रहे हैं आज रात कि मैंने अब तक क्या किया है अपनी जिंदगी में, कल अगर आप सुबह गलती की है, अगर मान रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं परमेश्वर से, पवित्र आत्मा आज रात आपके बिजनेस की गाड़ी को तोड़ने वाला है, आपके बच्चों को तोड़ने वाला है, आपकी हड्डियों नसों मांसपेशियों को तोड़ने वाला है, आप फिर से वही जवान हो जाएंगे, याद रखना। आमीन। आप फिर से आशीषित हो जाएंगे चर्च। आमीन बोलने वाले आज। आमीन। आज हालेलुया बोलने वाले। आमीन। आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, पिछले पिछले आमीन बोलेंगे कि चाय पिलाऊं। आमीन। मैं कह रहा हूं आपकी गाड़ी 90 पर रुकेगी नहीं, स्पीड ब्रेकर लग गया होगा। यहां पर जितने भी हैं, हो सकता है आपकी गाड़ी पर स्पीड ब्रेकर लग गया हो, आपका बिजनेस रुक गया हो, आपका बैंक बैलेंस रुक गया हो, आपका हाथ खड़ा हो गया हो, आपका पैर रुक गया हो, लेकिन आज रात परमेश्वर आपके बीच में चलेगा, आप फिर से चलेंगे, आपका बिजनेस फिर से चलेगा, क्योंकि आप उसकी अगुवाई में चलने के लिए तैयार है कि नहीं।